फरवरी से, बल्कि यहाँ पे तीन चार बड़ी टारगेटेड तरीके से बात की गई। मैं एक, जैसे अभी आपने बर्न स्टेशन के बारे में बात हम कर रहे थे इससे पहले, तो बर्न स्टेशन 2012 में भी ओवरलोडेड था और तब से लेके उसमें कोई एडिशन नहीं हुआ। पर अभी जब ये अनबंडलिंग हुआ, जिसमें एलजी साहब चीफ सेक्रेटरी और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर डॉक्टर आर के सिंह, हमारे जो अभी यहाँ नए सीएमडी हैं, तो जब इन लोगों ने सारा रिव्यू किया, और एक और चीज़ मैं बताऊँगा कि पिछले जनवरी से अभी तक एलजी साहब की इसमें 6 रिव्यूज़ हुए हैं जम्मू के लिए। तो इसमें बर्न में 160 एमवीए का नया ट्रांसफार्मर वहाँ लग रहा है, 20-20 एमवीए के एक ग्लैडी में लग रहा है, 20 का क्या नाम है इसका कनाल लेके यहाँ पावर स्टेशन है, सब स्टेशन है वहाँ लग रहा है। उसके साथ कई सारी एसोसिएटेड ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, उनमें भी एडिशन की गई है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे स्टेशन हैं जो अभी रिसेंटली आए हैं और चालू कुछ हो भी गए हैं, होने वाले हैं। जैसे एक गंग्याल में 20 एमवीए का ट्रांसफार्मर है, 20 बीरपुर में 20 का है, कनाल 2 में 20 का है, फिर कल्याणपुर में होने वाला है अभी कुछ देर में, उम्मीद है कि 16 तारीख के आसपास वो भी हो जाएगा। फिर उदयवाला में है, वो भी 14-15 तारीख के आसपास हो जाएगा। चकबलवाल में है, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो इस तरीके से अभी शहजादपुर है यहाँ गहू मनासा के पास, वो भी 12 तारीख के आसपास हो जाएगा। और इस तरह के काफ़ी सारे 15-20 स्टेशन हैं जो अभी ऐड हो रहे हैं सिस्टम के अंदर, और वो यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं उनको हर प्रकार से उसका फ़ायदा मिलेगा। एकदम कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं होगी, पर एक रिलीफ का सिचुएशन बननी शुरू हो जाएगी।